रीवा जिला भ्रष्टाचार में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। सरकार जनता हितार्थ चाहे जितनी राशि स्वीकृत करे, किंतु छोटे छोटे कर्मचारी भी अपनी ही मर्जी चलाते हैं। ऐसा ही एक कारनामा एक रोजगार सहायक का है, जिसे पूरा वित्तीय प्रभार मिला हुआ है। रीवा जिले के ब्लॉक जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत दोदर में पदस्थ रोजगार सहायक राहुल मिश्रा के कारनामे को देखते हुए ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। उसी गाँव के रहने वाले अनूप पांडेय ने खुले आम आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल मिश्रा द्वारा ग्राम पंचायत दोंदर में जितने कार्य कराए गए हैं सब निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि 4 महीने की बनी पीसीसी सड़क ऐसे उखड़ी हुई है जैसे 40 साल की बनी हुई हो, जबकि उसी के बगल में 15 साल पूर्व बनी सड़क आज भी चमचमाती नजर आ रही है। वहीं पर खड़ी वृद्ध महिला शीतला वर्मा ने भी कहा कि आवास का प्रलोभन देकर रोजगार सहायक राहुल मिश्रा हमसे 13,000 रुपये ले चुका है, ये कहकर कि 15 दिन में के अंदर पूरा पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक मेरे खाते में एक भी रुपये नहीं आया है। सामूहिक रूप से आरोप लगाते हुए कुछ और लोगों ने कहा कि आवास सूची में क्रम को बिगाड़ कर राहुल मिश्रा ने कुछ लोगों को आवास योजना का लाभ दिया है, जबकि बहुत सारे मजदूरों की मेड़बंधन में कराए गए कार्य की मजदूरी आज तक नहीं दी है। ऐसे निंदनीय कार्य से त्रस्त जनता ने कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ व पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन सौंप कर रोजगार सहायक से वित्तीय प्रभार छीनकर एवं शीघ्र किए गए भ्रष्ट कार्य की जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है, अन्यथा आमरण अनशन की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं हमारे रीवा जिला में भ्रष्टाचारियों की संख्या निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला दोदा ग्राम पंचायत का है कि रोजगार सहायक की मनमानी से यहां त्रस्त ग्रामवासियों ने आज अपनी विरह व्यथा हमसे सुना रहे हैं, और इनका ये कहना है कि अगर आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए शायद हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, पर दबंग रोजगार सहायक के चलते किसी की चल नहीं रही है। चलिए मैं अगली बात रखता हूँ। ये अनूप पांडे जी हैं, शायद सर आप इसी ग्राम पंचायत के हैं? जी भैया जी। तो अपने रोजगार सहायक जी को आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं 14/7/2020 को आवेदन दिया था, वहाँ पहले कलेक्टर के यहाँ दिया जी, फिर जिला पंचायत की हो, उसके अलावा जनपद पंचायत में भी दिया, फिर उसके बाद एक मतलब 20 दिन बाद, अगर जब तक कोई जांच प्रक्रिया नहीं आई 20 दिन बाद, फिर मैं दोबारा एक आवेदन बनाया, जो जो गांव में समस्या है वो पूरी समस्या लिखकर फिर गया, फिर एक प्रति फिर कलेक्टर को दिया, फिर जिला पंचायत और जनपद पंचायत और लोकायुक्त में। नहीं नहीं, तो आपने किसके खिलाफ दिया? राहुल मिश्रा के खिलाफ, जो इस समय जीआरएस हैं उनको वित्तीय प्रभार भी प्राप्त। अच्छा, है उनको। देखिए ये बता रहे हैं कि राहुल मिश्रा जी हैं जो रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हैं, और वित्तीय सचिव का वित्तीय मुख्य सचिव का वित्तीय प्रभार छीन कर अधिकारियों द्वारा उनको वित्तीय प्रभार दिया गया है। ये कैसा मामला है ये थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे। तो आपने जब कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, एक जिला पंचायत सीईओ को आपने जब आवेदन दिया, कोई प्रूफ है आपके पास? जी मेरे पास है, ये कागज मुझे आवेदन है। हाँ, हाँ, जो मैं दिया हूँ, जितने दिया हूँ आज तक। बिल्कुल, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि मैं कोई कार्रवाई करवाऊंगा? नहीं, अभी इस समय कोरोना में मिलते नहीं थे, पहली बात तो। जो उनके पीए थे उनको मैं देके आता था, बोलते थे कि जांच प्रक्रिया होगी, फिर मैं चला आता था, जांच प्रक्रिया होगी, आश्वासन दे दिए। और क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है? हाँ, भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा किया। मेरे गाँव में जैसे आवास लोगों का नहीं आया है, और क्रमबद्ध तरीके से न चलते हुए क्रमबद्ध तरीका तोड़ देते हैं। अच्छा। पहले नंबर वालों को न देके 8वें नंबर वालों तो को दे दिए। पैसा क्यों देते हैं? पैसा लेते होंगे? हाँ, पैसा लेते हैं ना, मांग करते हैं पैसा। कितना का पैसा लेते हैं? ये 5 से 10, 15, 20 तक जो जितना दे दे, जितना सक्षम है। अच्छा, देने में बिना पैसा लिए नहीं देते किसी को? नहीं देते। अच्छा, और सीधे बोल देते हैं, अगर कोई बोलता है मेरा आवास क्यों नहीं आया, तो बोलते हैं कि अगर नहीं आया तो बोलते पैसा दो तो आ जाएगा। देख लीजिए, समस्याएं हैं। यहाँ ज्यादातर हरिजन आदिवासी लोग खड़े हुए हैं, ये बेचारे रो रहे हैं कि आज राहुल मिश्रा जी रोजगार सहायक जी के द्वारा हम लोगों के संवैधानिक अधिकारों को हनन होता जा रहा है। आज हम लोग खाने के लिए मुस्ताद हैं, अगर वो मजदूरियां भी करवाते हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि जब मजदूरियां करवाते हैं तो पैसा नहीं देते हैं। और क्या नाम आपका है? अनूप पांडे। चलिए ठीक है। अम्मा, तुम्हारी समस्या क्या है, क्या कहना चाहोगी?
अपन यह दुख रो कि हमारे 13,000 रुपया निकाल के कहीं तो का हम बड़ी अम्मा लागी राहुल के सोनू के तो कहें के हम तुमका कॉलोनी निकाल देंगे तो हमसे सामू के रुपया हम ले देना साहेब अब भारी थी तो अब भारी थी निकाल के हमारे समूह से पैसा ले के दिन देखिए इस अम्मा का कहना है कि जब मेरा आवास आ गया तो राहुल जी मेरे पास आए और राहुल जी ये कहते हैं कि अम्मा तुम 13,500 रुपए दे दो मैं तुमको आवास दे दूंगा। इस गरीब बेचारी ने 13,500 रुपए दे भी दिया और ये समूह से उधार लेकर उस पैसे को भर रही है। आज तक कोई नाम निशान नहीं आया और मैंने कुछ और चीज स्थान देखा जो 3-3 साल के आवास बने हुए हैं उन आवासों के पैसे अभी तक पूरे रूप से रोजगार सहायक द्वारा नहीं दिए गए हैं, है ना। और ये जो 3-4 महीने की PCC बनवाई गई है एक एक गिट्टियां कोई जाकर गिन ले और उसी के बगल में 15 साल की बनी हुई रोड ऐसा लग रहा है कि मतलब आज चमचमाते हुई अमेरिका की सड़क है वो। ठीक है, क्या नाम है? हमारा शीतला। अच्छा, तो मान लो अगर जरूरत पड़ती है कोई अधिकारी बुलाते हैं कलेक्टर साहब बुलाते हैं उनके पास जाओगी? जाएंगे साहब, है ना जी, जाएंगे साहब। क्या नाम है? हमारा शीतला नाम है। शीतला इसी गाँव की हो? हाँ। ठीक ठीक, देखिए हाँ बताओ अम्मा क्या कहना चाहती हो? पैसा राहुल से गिफ्ट दिया कभी नहीं दिया? हाँ बताइए। हमारे घर में बोले कि तुम्हारी कॉलोनी आ जाएगी, हमारे को 1,000 रुपए ले गए। हमारे घर में मनसेर कोई नहीं थे, हमारे फोटो भी खींचे हैं हमारे घर में जाकर टटिया के सामने से और नहीं दिए हैं कॉलोनी। कहीं 15 दिन में आ जाएगी कॉलोनी और मैं बोलती हूँ कि मेरा ID अलग कर दो, मेरा ये टोकन अलग कर दो, तो नहीं करते हैं। कहते तुम्हारा नहीं होगा, नहीं होगा, तुम पैसा दो तब होगा, ऐसे काम करना चाहिए। ये समस्याएं हैं कि माननीय रोजगार सहायक महोदय जी जब तक पैसे नहीं ले लेते तब तक किसी से कोई कार्य नहीं कर किसी कोई कार्य नहीं करने देते। और खासकर ये प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण हितार्थ जो आवास योजना चलाई है तो रोजगार सहायक की द्वारा पूर्ण रूप से पहले अपने जेब को भरते हैं और जेब भरने बाद किसी का पैसा भी नहीं, जिसको देते तो आधा तिहाव पैसा दे करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत समस्या बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजा है, राजा कोल। सर जी हम लोग का आता कॉलोनी के लिए कहते हैं, जो हमारे का आता पंचायत का है राहुल मिश्रा, उनसे बोलते हैं कि दादू हमारे भतीजे लगते हैं तो बोलते हैं कॉलोनी दादू हमें लोगों को मिलेगी, तो बोलते हैं कि पहले हम अपना देखें तब तुम्हारा देखेंगे। अच्छा, तो क्या सर जी उनको ऐसी बहानी बोलना चाहिए? पहली बात हमें लोगों को कॉलोनी नहीं मिलती है, हमारे घर में बाथरूम बनवाएं, बाथरूम का आटा उसमें ऐसी बनवाए हैं कि गड्ढा पीछे नहीं खुदाए हैं। तो बाथरूम कौन बनवाया है? ये राहुल मिश्रा की मताहत बनी हुई है। अच्छा, यानी शुरू से उनको वित्तीय प्रभार दिया जा रहा है क्या राहुल? 2017 से, लेकिन चलती उन्हीं की थी। प्रमिला देवी, वो क्यों नहीं आती? वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको ज्यादा नहीं पता। और जो सचिव साहब है, मुख्य सचिव है, वो उनको वित्तीय प्रभार 2017 से प्राप्त नहीं है, तो वो अब आते हैं ऑफिस आते हैं। देखिए, मुख्य सचिव जी का वित्तीय प्रभार छीन लिया गया है जिसके तहत रोजगार सहायक को दिया गया है। आज वही रोजगार सहायक इस मौके का फायदा उठाते हैं और जब भी कोई कार्य करवाने जाता है तो बिना पैसे बात नहीं करते हैं। ठीक, ये बात मैं शीघ्र ही कलेक्टर महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक जल्द जल्द पहुंचाऊंगा और ये चाहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैनन चैनल से सुशील पाठक। कैनन न्यूज के लिए दोंदर से सुशील पाठक की रिपोर्ट।